गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन होम क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। एज यू नो, वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। सो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वेक्टर अलजेब्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोज़ कम से कम 15-20 नंबर इस टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमारे दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, दो, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए पहले हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट को लेंगे। तो चलिए आज हम स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स के बीच में? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज। सो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट वो कैसे डिफाइन होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साथ में कॉस थीटा। या और तो ये है स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसी में थीटा है और कॉस थीटा अकेला रख दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी को ले जाओ। सो और कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेयर इस कॉस थीटा में जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। सो ये जो थीटा है ये वो एंगल है जो दो वेक्टर्स ए और बी के में माना जाता है। तो ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में ही हमने एंगल थीटा को ढूंढा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू दिस, और थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली थीटा निकालना हमने, cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो इस स्केलर प्रोडक्ट से ही हम cos थीटा को ढूंढते हैं, और cos थीटा में जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ए एंड बी। या थीटा निकालने का ये फार्मूला भी है, हम कॉस को राइट साइड में ले जाते हैं। सो कॉस को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दो वैक्टर्स कब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं? ए वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर परपेंडिकुलर अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर कब होंगे? तो दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, और कॉस 90 क्या होता है? जीरो। कॉस 90 क्या होता है? थीटा परपेंडिकुलर मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो। जीरो इंटू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ये सारा बन जाएगा जीरो। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉस थीटा 90, कॉस 90 जीरो होता है, जीरो इंटू ये सारा जीरो हो गया राइट साइड में। सो ए डॉट बी किसके बराबर होगा? जीरो। तो अगर वेक्टर्स दो वेक्टर्स ए और बी तभी परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंगल थीटा इज 90, दैट मीन्स इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, if they are perpendicular, that means if the angle between the two vectors a and b is equal to 90 degree, then a dot b किसके बराबर हो जाएगा? सारा, क्योंकि cos 90 जीरो होगा तो सारा डिज हो जाएगा। तो a dot b किसके बराबर होगा? जीरो। तो perpendicular होने के लिए a dot product किसके बराबर होगा? जीरो। अगर angle 90 होगा दोनों के बीच में तो उनका dot product क्या हो जाएगा? scalar product क्या हो जाएगा? scalar product क्या हो जाएगा? जीरो। इसी तरह if i j k आर यूनिट वैक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर i, j, k तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो i इंटू जे या j इंटू k या k इंटू i करो तो इनका रिजल्ट जीरो होता है। जब भी i और j मल्टीप्लाई होंगे, या j और k मल्टीप्लाई होंगे, या k और i मल्टीप्लाई होंगे, तो रिजल्ट जीरो आएगा। एंड i स्क्वायर जो होगा, अगर i का स्क्वायर करो या j का स्क्वायर करो इज इक्वल टू k का स्क्वायर करो, i का स्क्वायर हो या j का स्क्वायर हो या k स्क्वायर, या उसमें इक्वल होंगे साथ में, सबकी वैल्यू क्या होगी? वन। आई का स्क्वायर भी वन है, जे का स्क्वायर भी वन है, और के का स्क्वायर भी वन है। ये दोनों बातें याद रखना कि आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई अलग अलग हो तो मल्टीप्लीकेशन जीरो होती है,
और अगर स्क्वायर में हो तो इनकी वैल्यू 1 होती है। चलिए प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव ला गया, ए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड, इसमें एसोसिएशन वाला लॉ होल्ड नहीं होता। दो वेक्टर्स का चाहे ए को बी से का प्रोडक्ट लो या बी का ए से प्रोडक्ट लो, रिजल्ट सेम होता है और एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए पहले बी से प्रोडक्ट देगा प्लस फिर वेक्टर ए सी से प्रोडक्ट देगा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। एक वेक्टर की प्रोडक्ट प्रोजेक्शन दूसरे पे कैसी होती है? सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय, किसके बराबर होती है? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी पे ली जाए तो क्या होता है? वेक्टर किसके बराबर होती है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइड बाय डॉट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे कैसी होती है? सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस इज अगेन ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रॉपर्टी इज़ द थर्ड। सो ये कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अगर आपको वेक्टर ए की प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर बी पे तो किस तरह निकालेंगे? फार्मूला क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय जिस पे प्रोजेक्शन पड़ती है, ए की किस पे? बी पे, तो नीचे बी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए इसी पे बेस्ड हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विच विद मैग्नीट्यूड्स √3 and √2 रिस्पेक्टिवली साइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो ए डॉट बी हमें 6 है, √3 दी है। अब ढूंढना क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, cos थीटा से लेते हैं। वी नो cos theta is equal to magnitude of a, sorry, vector a into vector b divided by magnitude of a into vector b, ठीक है, where theta is the angle between two vectors। तो ये जो theta है ये angle between two vectors है। अब हमें ये formula पता है कि theta angle between two vectors का